प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली के पर्व में मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। रंगों का पर्व होली 8 को खेली जाएगी। खास बात यह है कि इस बार बाजार में स्वदेशी चीजों की मांग के साथ साथ बाजारों में इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले पापड़, चिप्स और नमकीन बिक रहे हैं। होली के मद्देनजर प्रयागराज में इस बार शहर के बाजार में बड़े पैमाने में होली से संबंधित सामान आ चुके हैं। लेकिन इस बार खास ये रहेगा कि इम्यूनिटी पावर वाले चिप्स, पापड़ और नमकीन जो लोगों के सेहत का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि होली का समय बीमारियों का भी होता है। ऐसे में जरूरी है कि होली के पकवानों के साथ कुछ हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर तरह की चीजें खाना। ऐसे ही कुछ स्नैक्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। प्रयागराज के लोकनाथ स्थित बाजारों में इम्यूनिटी बूस्टर पापड़, चिप्स और नमकीनों की मांग बढ़ गई है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हमारे यहाँ आई है कि अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए इम्यूनिटी पावर भी सही रहे, क्योंकि अभी कोरोना की मार लगी और डेंगू की मार, उस हिसाब से लोग सामान खरीद रहे हैं कि भैया ले और बीमार भी ना पड़े, तो इस हिसाब से सामान भी आया है कि अपना हाँ, केले के चिप्स है और जो मैंगो है, टमाटर का चिप्स है, ये सब आज इस समय आया, और ठंडई है, सब आयुर्वेदिक ठंडई है। इम्यूनिटी पावर भी तेज रहेगी और इससे घटेगी भी नहीं और इंसान कोई बीमार भी नहीं होगा। वही पिछले साल की अपेक्षा इस बार महंगाई गगन चूम रही है। वही दुकानदारों का कहना कि इस बार इतने महंगे पापड़ होने से कस्टमर जहां 10 चीज खरीदता था, वह आज 5 ही चीज खरीद रहा है, क्योंकि हर चीज महंगा है। वही अच्छे सामान, अच्छी वैरायटी होने के बावजूद भी दुकानदारी में प्रभाव पड़ रहा है। हर जगह महंगाई का असर है। जो सामान हम 4-5 हज़ार रुपए में ले लेते थे, वो आज की डेट में 8-9 हज़ार रुपए में आ रहा है। हर चीज महंगी हो गई है, कोई भी चीज ऐसी सस्ती नहीं है। फेस्टिवल तो अब सिर्फ नाम का रह गया है। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना, कि जिनका कमाई बहुत कम है और इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो वो बट फेस्टिवल है तो उनको थोड़ा थोड़ा लेना ही पड़ता है। ये पहली बार तो इतनी महंगाई की मार पड़ चुकी है कि इंसान क्या ले और क्या ले। 50 हज़ार में तो सामान लेना चाहे, जो छोटा आदमी है वो सोचता है कि कम से कम में हमारा सारा काम हो जाए। और एक नई नए तरीके की इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, सब हर सब छोटा भी सोचता है, बड़ा भी सोचता है, आपको सब चीज़ मिल जाएगी। महंगाई की वजह से तो कोई सामान ले नहीं पाता। घी महंगा, तेल महंगा, सब चीज़ महंगा, मैदा महंगा, सब कुछ महंगा। पहली बार ये होली का पर्व चल रहा है, हमारे काउंटर पर होली से संबंधित बहुत सामान बिकते हैं जो बहुत दूर दूर से लोग लेने आते हैं, सस्ता भंडार। लेकिन इस बार इतने महंगे पापड़ होने की वजह से, वैरायटी थोड़ी कॉस्टली होने की वजह से, कस्टमर को जो 10 चीज़ें लेनी होती वो कहता भैया 5 ही दो। हर चीज़ें महंगी हैं, इस वजह से अच्छे सामान और अच्छी क्वालिटी, अच्छा बिहेव, अच्छा व्यापार करने के बावजूद थोड़ा दुकानदारी में इसका कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है। हम तो यही चाहेंगे अगर ये सब चीज़ें सस्ती हो जाए तो हमारा व्यापार और दोगुना चले। वही लोग चाइनीज आइटम का भी बहिष्कार कर रहे हैं और घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से इस बार शहर के बाजारों में पहुंच चुके होम मेड पापड़, चिप्स, केले और आम की चिप्स नजर आ रहे हैं, जो लोगों को बहुत भा भी रहे हैं और लोग खरीदारी भी खूब कर रहे हैं।